जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें बहुत व्यापक सुधार हुआ है और उसमें बहुत बढ़ोतरी भी हुई है। आप जानते हैं 13 मेडिकल कॉलेज नए जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, 2 एम्स बनाए गए हैं, इसके अलावा कैंसर इंस्टीट्यूट्स, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, सभी क्षेत्रों में बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ हम यूटी के प्रत्येक कोने में हम सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस सर्विस कहीं से भी जिसको भी ज़रूरत है वहां पर उपलब्ध हो जाती है, और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे PHCs हैं, CHCs हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी हम बहुत सी अच्छी सुविधाएं दे सकें। कोविड में भी आपने देखा कि यूटी ऑफ JNK ने बहुत अच्छी तरीके से उस पैंडेमिक को डील किया। इसी प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके लिए भी बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लैंड प्रदान किया जा रहा है, और जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कवर किया जा रहा है। आपने अभी ये भी देखा होगा कि जो नई व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं उसका सबको लाभ मिलने के लिए यूटी ऑफ JNK ने सेहत स्कीम लागू की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक की उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष मुफ्त में दी जाती है, और वो इंश्योरेंस के माध्यम से उसको दोबारा से उस पैसे को उसको देना नहीं पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसमें इम्पैनल्ड हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं। इसी क्रम में आज सिग्नस, जो कि एक बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की ऑल ओवर इंडिया, और वो स्पेशलाइज सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं, गत वर्ष इन्होंने अपना यहाँ पर यह हॉस्पिटल का शुभारम्भ माननीय LG महोदय ने किया था, तो उसी क्रम में आज ये स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर कैथ लैब बना रहे हैं, प्लस CT जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे इनके कार्डियोलॉजी यूनिट और बाकी डायग्नोस्टिक्स में बहुत बढ़ावा मिलेगा, और आगे आने वाले समय आप देखेंगे कि केवल यही हॉस्पिटल नहीं बल्कि और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आएंगे और हर एक प्रकार से बेहतर सुविधाएँ यूटी ऑफ JNK के नागरिकों को, बाशिंदों को देंगे।